सो हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल BTS ने ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, ब्लैकपिंक ने हिस्ट्री क्रिएट की। इस तरह के न्यूज़ तो हम हर मैक्सिमम दिनों में सुनते ही रहते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से के पॉप की पॉपुलरिटी इंडिया में बढ़ रही है, उसी रफ्तार से इंडिया का टैलेंट का डिमांड कोरिया में भी बढ़ रही है। और यही रीज़न है कि पहले श्रियालंका, प्रियंका मजुमदार और सिद्धांत ने इंडिया का नाम रोशन किया। इसके बाद हर कोई के पॉप आइडल बनने का सपना देखता है, और इसी ऐसे ही एक इंडियन गर्ल ने अपने सपने को पूरा किया है और इंडिया का नाम रोशन किया है, और इंडिया के पॉप और के ड्रामा में दोनों में देखने को मिल रहा है। जब के पॉप आइडल के बाद हर कोई के पॉप आइडल बनने का सपना देख रहा है, और हर कोई कोरियन इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का हर कोशिश कर रहा है। और अब एक और सेकेंड के पॉप आइडल बन गई है, और जिसका नाम आर्या है, और आर्या केरला की रहने वाली है, और ये अभी 19 साल की है। इन्होंने 5 साल पहले BTS और ब्लैकपिंक का सॉन्ग सुना, और फिर आर्या ने भी एक के पॉप आइडल बनने का सपना देखा था। और आर्या जी भी एक एंटरटेनमेंट ग्रुप है जो डेब्यू किया है, और जी भी एक ग्रुप केपॉप कंपनी है जिन्होंने हाल ही में मैप्सी नाम का एक केपॉप बैंड लॉन्च किया है। और इंडिया के में रहने वाली आर्या इसी ग्रुप की सेकेंड मेंबर बनी है, और इस बैंड में टोटल 5 मेंबर है, और 5ों मेंबर अलग अलग कंट्री से हैं। और आर्या इस ग्रुप में वोकल आर्टिस्ट है, और वोकल आर्टिस्ट का रोल प्ले करेगी। और हम इंडियंस में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें सेकेंड केपॉप आइडल के सॉन्ग कब सुनने को मिलेंगे, या फिर मैप्सी ग्रुप अपना ऑफिशियली डेब्यू कब करेगी। तो आर्मी अभी केपॉप ग्रुप में अपनी ट्रेनिंग पीरियड्स पे है, और लेकिन आने वाले कुछ टाइम में हमें ये ग्रुप ऑफिशियली अपना डेब्यू करते हुए दिखेंगी, और हमें फाइनली इंडिया की दूसरी केपॉप आइडल का झलक केपॉप इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी। वैसे आप इस इंडिया के सेकेंड केपॉप आइडल को लेकर कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यही थी आज एक छोटी सी वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।